प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। कई जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब जिला सोलन में भी स्वाइन फ्लू दस्तक दे चुका है। जिले में अब तक आधा दर्जन लोग इस बीमारी का दंश झेल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सोलन इस बीमारी को लेकर अब हाई अलर्ट पर है। स्टाफ और चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यशालाएं लगाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। सरकारी विभागों को भी अलर्ट किया गया है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एन के गुप्ता ने बताया कि अभी तक 7 मामले स्वाइन फ्लू के जिला सोलन में आ चुके हैं, जिसमें से कसौली के एक मरीज की मौत हो चुकी है। बाकी 6 रोगियों का शिमला IGMC से इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। पूरे सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे 7 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि सारे के सारे शिमला IGMC से डायग्नोज हुए हैं। उनमें से एक पेशेंट जो है, जो कसौली ब्लॉक से पड़ता है, उसकी डेथ हो गई है शिमला में। बाकी जो 6 के 6 केस हैं वो ठीक है। ये डिफरेंट जो, जैसे कसौली हमारा एक जो हमारा ओजघाट एरिया से है, एक हमारा कंडाघाट एरिया से था, बाकी 4 केसेस जो हैं हमारे वो अर्की से है। हमने हर एक हॉस्पिटल को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी सस्पेक्टेड केस अगर मिलता है या आता है उनके पास, तो उसको टाइमली वो ट्रीटमेंट देकर उसको उसका सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेके उसका कसौली भेजा जाएगा या शिमला भेजा जाएगा। अगर लगता है कि वो पेशेंट वहाँ ट्रीट नहीं हो सकता, तो उसको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या शिमला के लिए भेजा जाएगा, ताकि उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, उसमें कोई लैप्स ना हो। हमने हर एक वर्कर को अपने ये बोल दिया है, जहाँ पर भी डॉक्टर से लेके आशा वर्कर तक को हमने उनको इसके बारे में जानकारी दे दी है और अभी भी दे रहे हैं हम जो रह गए हैं, और उनके द्वारा हमने फील्ड में हम जहाँ पर भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जहाँ पर हमने ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी है कि अगर कोई मीटिंग्स कहीं हो रही है तो हमारे को उसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि हम 10 मिनट के लिए जाकर लोगों को वहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी दे सकें।